बिहार में शराब बंद है, लेकिन लोग मानते नहीं। साल के अंतिम दिन शराब बंद बिहार की राजधानी में नशे में होना कितना खतरनाक था कि गाड़ी चला रहे ड्राइवर के नशे में होने के कारण एक कार पटना के मंदिरी नाले में गिर गई और कार सवार सारे लोग कार समेत नाले में चले गए। कार के नाले में गिरते ही हंगामा हो गया। बताया जाता है कि पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के संस्कृत पाठशाला मंदिरी के नज़दीक एक तेज रफ्तार कार नाले में गिर गई। जानकारी के मुताबिक कार में महिला सहित 3 लोग सवार थे और कार चालक के नशे में होने की जानकारी वहां लोगों में फैल गई। बताया जाता है कि नशे में होने के कारण गाड़ी अनियंत्रित हो गई और नाले में कार गिर गई। कार में 3 लोग थे। इस दुर्घटना में एक की मौत की भी खबर है। स्थानीय लोगों ने काफ़ी मशक्कत के बाद एक महिला और एक पुरुष को बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक कार में सवार एक की मौत और 2 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों की मदद से कार में सवार सभी कार सवार को बाहर निकालकर उनको PMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक कार में सवार लोग बीती रात तेज रफ्तार से नाले के पास से गुजर रहे थे कि अचानक से कार ड्राइवर कार पर अपना नियंत्रण खो दिया और कार अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई। कार के नाले में गिरने की आवाज़ के बाद स्थानीय लोग दौड़े और कार और सवार को नाले से निकालने की कोशिश में जुट गए। कार के नाले में गिरने के बाद स्थानीय लोग चिल्लाते रहे, लेकिन पुलिस तक ये खबर नहीं पहुंची और पुलिस घटना के काफ़ी देर बाद मौकाए वारदात पे पहुंची। खुलासा के लिए पटना से अनुप्रकाश की ये रिपोर्ट।